हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है होम इन मचमोर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हॉल वीडियो जो कि है वेस्टर्न टॉप्स का। सो बहुत सुंदर सुंदर वेस्टर्न टॉप्स मैंने पिक किए हैं और ऐसे ही वेस्टर्न टॉप्स, कुर्ती, साड़ी, ये सारे हॉल्स में आपके लिए लेकर आती हूँ। तो ये जो टॉप्स हम देख रहे हैं, कुछ आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं, कुछ आप जो आजकल फ्लैट जीन्स आती है उनके साथ भी पहन सकते हैं, डिफरेंट टाइप की कॉटन के पैंट्स के साथ पहन सकते हैं। तो ऐसे मिक्स एंड मैच आप इन्हें कर सकते हैं। ये सारे हैं अमेजोन से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला ये मरून कलर का क्रॉप टॉप। तो ये हाई नेक है एंड स्लीवलेस है और पूरी तरह से ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक का है। इस तरह के टॉप्स जो आजकल ट्रेंड में जीन्स आई है, डेनिम आई है जो कि लूज होती है नीचे से, फ्लैट जीन्स या फिर फ्लैट ट्राउजर्स होती है, उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा। रेगुलर जो जीन्स होती है या स्कर्ट्स होती है उनके साथ भी अच्छा लगेगा, बट फ्लैट जीन्स एंड पैंट्स के साथ भी बहुत सुंदर लगेगा। तो प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। इसमें डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आपको मरून नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, आई थिंक और भी बहुत सारे कलर्स हैं, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, कुछ गलती से गलत कलर ना बता दूं, बट यस काफ़ी सारे कलर के ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा है और जो स्ट्रेचबिलिटी और जो इसका स्ट्रेच है ये भी अच्छा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही टाइट है और ज़बरदस्ती स्ट्रेच करना पड़ रहा है, ठीक से स्ट्रेच नहीं हो रहा है। सो इट्स अ ग्रेट टॉप। नेक्स्ट है ये फैब एली का बहुत ही प्रिटी पिंक कलर का टॉप। तो इसकी नेट की स्लीव्स है, तो थोड़ी सी मोटी वाली नेट है और पफ स्लीव्स है, बहुत ही गर्ली प्रिटी सी। और जिसका मटेरियल है ये क्रेप है, तो ये क्रेप मटेरियल भी काफ़ी अच्छा वाला क्रेप है, ऐसे बहुत ही ज़्यादा सिंथेटिक ही नहीं है, फ्लोई फ्लोई है और एक टेक्स्चर है इसके ऊपर। सो ये है इसका फ्रंट एंड ये है इसका बैक। तो बैक में यहाँ पे एक बटन दिया गया है। सो ये बढ़िया सा लूज सा टॉप है, ये जीन्स के साथ अच्छा लगेगा, फिटिंग वाली जीन्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप इसे लूज जीन्स के साथ पहनते हैं, फ्लैट जीन्स के साथ पहनते हैं तब भी अच्छा लगेगा, टकिन भी आप इसे कर सकते हैं। सो इट्स अ नाइस प्रिटी टॉप। मुझे तो इसकी स्लीव्स बहुत पसंद आई, मुझे ऐसे पफ्ड एंड बलून स्लीव्स वाले टॉप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ देम, इट्स वेरी प्रिटी। और जो स्लीव्स है इसके एंड पे इलास्टिक भी दिया गया है, सो अच्छे से ये यहाँ पे फिट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये मेरे फेवरेट कलर का, यानी येलो कलर का टॉप। मटेरियल होजरी है इसका, सॉफ्ट है, ये भी थोड़ा स्ट्रेचेबल है और इसकी जो स्लीव्स है वो भी बलून पैटर्न वाली है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टी शर्ट लाइक टॉप। ये है फ्रंट एंड ये है इसका बैक। इसमें भी बहुत अच्छी प्रिंट दी गई है, पूरी फ्लोरल प्रिंट है। सो ये ऐसे टॉप है कि जो जब आपको टी शर्ट टाइप टॉप पहनना पसंद आता है, वैसे फैब्रिक में कुछ पहनना है लेकिन टिपिकल टी शर्ट की तरह वो ना दिखे, तब ये काफ़ी अच्छा हो जाता है इस तरह का जो टॉप होता है। थिकनेस की मैं बात करूँ तो मीडियम थिकनेस है इसकी। कलर मुझे बहुत पसंद आया। आई थिंक इसमें कलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो लिंक जो मैं आपको दे रही हूँ आप उसे चेक कर सकते हैं। ये टॉप भी टक इन करके जीन्स के साथ बहुत सुंदर लगेगा। नेक्स्ट है ये कॉटन ब्लेंड टॉप। सो इट्स अ नाइस वर्टिकल स्ट्राइप वाला टॉप एंड रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है और इसमें यहाँ पे ऊपर नेट यूज़ की है। तो फ्रंट में आप देख रहे हैं यहाँ से नेट है जो कि बैक में भी ऐसे आ जाती है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल टॉप। इसका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है और ये भी जीन्स के साथ, कॉटन पैंट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बॉटम के साथ ये अच्छा लगेगा। एंड मुझे ये प्राइस के हिसाब से भी बहुत सुंदर लगा। ये है फ्रॉम द ब्रांड अलानो और इसका जो फैब्रिक है, इसकी थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी इसकी थिकनेस है और ये वाइट कलर होने के बाद भी ये ज़्यादा शीयर नहीं है, तो आराम से आप जो इनर इसके अंदर पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। नेक्स्ट है ये क्रेप टॉप। सो ये सिंपल सा टॉप है, इसकी 3/4 स्लीव्स है एंड बैक में इसके जिप दी गई है पीछे की तरफ है एंड फ्रंट में ऐसा ये नेक है। सो ये हार्पा ब्रांड से है, हार्पा के टॉप्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट है ये क्रेप, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है हाथ में लेकर ही, उसे पता चल रहा है। एंड इसकी जो ये वाइट रेड एंड ब्लैक कलर की प्रिंट है ये भी बहुत सुंदर है। सो ये भी एक ऐसा टॉप है जो बाहर रखना चाहें अपने पैंट्स के साथ या फिर टक इन करना चाहें, इन बोथ द केसेस ये सुंदर लगेगा। काफ़ी लाइट है, समर के हिसाब से भी अच्छा है, इवन तो ये कॉटन नहीं है बट इतना हल्का फुल्का सा है कि आप गर्मी के मौसम में भी इसे आराम से पहन सकते हैं। नेक्स्ट है ये पिंक कलर का टॉप। तो थोड़ा वुलन लाइक है लेकिन वुलन नहीं है ये टॉप, ये कोई स्वेटर नहीं है बट इट लुक्स लाइक अ स्वेटर। सो बहुत ही प्रिटी पिंक कलर का है, बेबी पिंक है। इसमें और कलर्स के ऑप्शंस हैं और नेक के अराउंड, स्लीव्स के अराउंड और नीचे भी इसमें वाइट कलर की लाइंस दी हुई है एंड ये भी एक स्ट्रेचेबल टॉप है।
तो मैं नॉर्मली स्मॉल साइज के टॉप्स लेती हूँ, पर इस तरह के टॉप्स बहुत ही ज़्यादा बॉडी हगिंग हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला एम यानी मीडियम साइज में लिया हुआ है। सो ये टॉप ऐसा है कि इसके साथ आप डेनिम जीन्स वगैरह पहने, टक इन करके पहने, बहुत ही कमाल का लगेगा। या फिर अगर वाइट कलर की शर्ट आप पहन रहे हैं कॉलर वाली और उसके ऊपर ये पहन लिया, मतलब समर में नहीं बट बाकी मौसम में, तब भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगेगा। फ्रंट में इसके दो बटन्स दिए गए हैं, ये केवल शो के बटन्स हैं, एक्चुअल बटन्स ये नहीं है। एंड इसका राउंड नेक है फ्रंट। नॉर्मली आपने देखा होगा वी नेक में आते हैं इस तरह के टॉप्स, पर ये राउंड नेक है। सो फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छा है इसका तो, और फील भी इसका काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट टॉप है मैक्स ब्रांड से। मैक्स के टॉप्स में बहुत पसंद करती हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और एक बार खरीद लिया तो वापस से वो डिज़ाइन भी जल्दी नहीं मिलती है, रादर वो गायब भी हो जाती है। सो इट्स अ नाइस नेवी ब्लू स्ट्रेचेबल टॉप। इसकी थोड़ी सी लंबी स्लीव्स है, एकदम 3/4 नहीं है तो हाफ कह सकते हैं। एंड इसका फ्रंट जो नेक है वो राउंड है। सो फ्रंट एंड बैक ये एक जैसा ही है, लेकिन काफ़ी अच्छा स्ट्रेचेबल इसका फैब्रिक है। सो ये इस तरह के टॉप्स ये काफ़ी स्मार्ट लुक ऐड करते हैं और काफ़ी प्रोफेशनल भी लगते हैं। सो इस तरह के अगर आपको आपने टॉप को जीन्स के साथ पहन लिया, साथ में एक जैकेट या फिर श्रग ले लिया, तो कॉम्बिनेशन भी बहुत अमेजिंग लगेगा। आपको इन सभी वेस्टर्न टॉप्स के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। आपको सबसे अच्छा टॉप कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।